बार बिहार आरजेडी के रंग में रंगने वाला है। नीतीश कुमार की सरकार बनेगी महागठबंधन की। बिहार को मोदी चलाएगा, उसी का आदमी चलाएगा, मतलब नीतीश कुमार। हाँ। मोदी जी देश नहीं चलाएंगे, देश को आग लगा भी बनेगी, लेकिन नीतीश सरकार नहीं बनेगी। पलटू सरकार इस बार गए, मर जाएंगे, धसा जाएंगे, मिट्टी में चल जाएंगे और बीजेपी किसी हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर वही काम कर दिया जाके। बेहतर तो लालू की राज में सुकून थी, बहुत सुकून थी। बिहार में इस बार लालटेन ही लालटेन रहेगा सब जगह। अच्छा। हाँ, नीतीश कुमार महाबेकार। बिहार में लाइन्स अगर हो रहा है तो कांग्रेस, आरजेडी और सेकुलर फोर्सेस जो है उनकी सरकार बनेगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। तो जनता जी कहिन आज आपको लेकर चल रहा है औरंगाबाद में। औरंगाबाद में इस वक्त हम खड़े हैं औरंगाबाद के मेन मार्केट में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर औरंगाबाद की जामा मस्जिद है। औरंगाबाद को ऐसे तो कहा जाता है चित्तौड़गढ़, क्योंकि यहाँ पर राजपूतों की तादाद जो है वो अच्छी खासी है। तो जब हम यहाँ पर पहुँच ही गए हैं तो क्यों ना अपना अहम सवाल यहाँ पर बिना देरी के लोगों से जानते हैं कि इस बार बिहार में किसकी सरकार होगी, नीतीश कुमार की या फिर तेजस्वी यादव की? फरहान नाम है। क्या लगता है फरहान, इस बार बिहार में किसकी सरकार है? इस बार बिहार में जो अच्छा काम करेगा उसकी सरकार रहेगी। किसने अच्छा काम किया है? अब जैसे नीतीश तो काम अच्छा किया ही है नीतीश जी, लेकिन नीतीश जी क्या करते हैं कि पलट जाते हैं। अच्छा। हम लोग देते हैं, लालू यादव को वोट देते हैं और नीतीश जी पलट जाते हैं, साथ में गठबंधन का सरकार बनाते हैं और पलट जाते हैं वो। जबकि क्या कहना चाह रहे हैं इस बार कौन? इस बार लालू जी को देंगे वोट हम लोग, आप किसको देंगे? हाँ, तेजस्वी यादव को देंगे वोट। इस बार नीतीश कुमार क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं, लोग लगा रहे हैं तो लगाने दीजिए, उससे क्या होगा, काम तो अच्छा किए हैं। कौन से काम की बात कर रहे हैं? रोड बनाए, नाली बनाए, गली बनाए, सब चीज़ तो बनाए हैं। वो स्कूल में दिए बच्चे लोग को पैसा। अच्छा, लेकिन लॉकडाउन के वक्त में कहाँ गायब हो गए? लॉकडाउन पर कहाँ गायब हो गए ये तो हम नहीं बता सकते कहाँ गायब, बाकी है तो सही आदमी। अरे आपको नीतीश जी बना दिए हैं, इन्हीं से पूछिए। देश चलाना है तो मोदी को लाइए, हम मोदी का सरकार बनाइए, मोदी अच्छा प्रधानमंत्री। अरे मोदी का चोर चुहार मत नाम दीजिए, राज देश चला रहा वही अच्छा वही चलाएगा। बिहार कौन चलाएगा इस बार? बिहार को मोदी चलाएगा, उसी का आदमी चलाएगा, मतलब नीतीश कुमार। हाँ, बोलिए। मतलब नीतीश कुमार? हाँ, नीतीश कुमार के बारे में। हाँ, देश चलाइए रहे हैं। ये तो आप कुछ कह रहे थे, मोदी जी देश नहीं चलाएंगे, देश को आग लगा देंगे। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, मोदी जी देश नहीं? अरे लगेगा तो बुझाए वाला है ना, बुझा रहा है नीतीश कुमार, नीतीश कुमार बुझा रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार आग बुझाएंगे, मतलब आप कहते हैं कि मोदी जी आग लगाते हैं? ना ना ना, मोदी आग देश चलाते हैं, देश चलाते हैं, देश चलाते हैं। नीतीश कुमार तो खुद गोदी में बैठे हुए बीजेपी के पलटू चाचा सब लोग बोलते हैं इस बार गठबंधन की सरकार, जंगल राज ही सही। लेकिन इस देश में बहुत सा आपत्ति है। तो एक मानते हो कि जो राजद की सरकार थी, लालू प्रसाद की जो सरकार थी, जी, वो जी, जंगल राज था? जी, जंगल राज नहीं, कौन जंगल राज अगेंस्ट पार्टी बोलता है, जंगल राज अगेंस्ट पार्टी बोलता है। बीजेपी का सरकार सब करप्ट सरकार है। ये बीजेपी है, नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार पलटू चाचा ने वो तो खुद जाकर बीजेपी के इसमें बैठे हुए हैं। पलटू सरकार इस बार गए, हमने उनके अगेंस्ट लोग बोलते हैं अगेंस्ट, जी माना कि जंगल राज था, जंगल हम क्यों मानेंगे? नहीं, अगेंस्ट वो लोग बोलते हैं। राजन कुमार गुप्ता। राजन, क्या लग रहा है इस बार बिहार किस रंग में रंगने वाला है? इस बार बिहार आरजेडी के रंग में रंगने वाला है। तमाम औरंगाबाद की जितनी भी जनता, इसलिए युवा का समर्थन कर? नहीं, मैं 15 साल में नीतीश कुमार यहाँ पे क्या किया, इस बार बदलाव होनी चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में तो कहा जा रहा है नीतीश कुमार ने बहुत सारे काम किए, विकास पुरुष हैं वो, तो फिर ये बात तुम एक युवा हो के तुम ये बात क्यों कह रहे हो? विकास पुरुष मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि वो विकास कुछ किए हैं और विकास पुरुष हैं, ये मैं अपने तरफ से मैं ये नहीं बोल सकता कि वो विकास पुरुष हैं। और इस बार आरजेडी को जगह मिलनी चाहिए और इस बार औरंगाबाद
से भी आरजेडी निकलेगा और जो ओबरा है वहाँ से प्रकाश भैया प्रकाश चंद्रा जी को टिकट मिलनी चाहिए और वहाँ से उनकी विजय पक्की है। बिहार में तो लहर किसी का हो नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, ठीक है। हाँ, औरंगाबाद में आनंद विहार के इसमें खिलाफ में हम लोग ये दे रहे हैं कि उसको टिकट नहीं मिले। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहनवाज रहमान और सल्लू खान। जी, क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार बनेगी, गठबंधन की। कांग्रेस की सरकार? जी, गठबंधन की, मतलब महागठबंधन की। जी, महागठबंधन की बनेगी। अच्छा, ऐसा क्यों? नीतीश कुमार में क्या कमी? नीतीश जी ने 15 साल ठगा है। ठगा है? कैसे ठगा है? बहुत ठगा है, ऐसा ऐसा चीज ठगा है उन्होंने कि अभी तक क्या विकास किए हैं और नहीं किए हैं लोग जान रहे हैं। आपके पहला तो ये काम कर दिए कि अच्छा, जो यहाँ पर नीतीश सरकार जो है वो भी आरोप लगाती है लालू परिवार पे कि उन लोगों ने भी ठगा है, उनका जो राज था वो जंगल राज था, क्या कहेंगे आप? उससे बड़ा बड़ा जंगल राज यहाँ आ गया है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? शहाबुद्दीन। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी लहर दिख रही है? बिहार में वही कांग्रेस का और क्या? कांग्रेस का? अच्छा, मतलब महागठबंधन की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार क्यों नहीं? नीतीश कुमार कुछ कर भी नहीं किए तो क्या करेंगे? कुछ ना कर भी किए नहीं ना। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? अब्दुल रशीद। जी, अब्दुल रशीद। आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार? महागठबंधन की। महागठबंधन, मतलब तेजस्वी को देख रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। जी। अच्छा, ये बताइए, नीतीश कुमार ने भी तो काम किया है, उनका नाम क्यों नहीं लिया आपने? किया है मगर वैसा नहीं किया। कैसा? वैसा मतलब कैसा? ये जो है वो विकास वैसा नहीं किया है जैसा होना चाहिए। किस तरीके विकास की बात करते हैं? उनको तो कहा जाता है कि वो विकास पुरुष हैं। बोलते हैं मगर क्या विकास पुरुष हैं, तो फिर आपको कैसा विकास चाहिए? बोलते हैं मगर करते नहीं ना। एंडिन त्याज हुसैन। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी हवा चल रही है? जिसकी भी बनेगी लेकिन नीतीश सरकार नहीं बनेगी इस बार। क्यों? नीतीश क्यों? इसलिए कि वो लोगों को छला, उन लोगों ने पहले तो वो बीजेपी में थे, फिर बीजेपी से वो आरजेडी के सब महागठबंधन में आए, फिर वो चले गए बीजेपी में, तो ऐसा तो सही नहीं है। इससे तो लोगों को के बीच गलत मैसेज गया उनके प्रति। जी कुमार। अच्छा, क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार? ये पता नहीं है। पता नहीं, चुनाव है, वोट तो देंगे ना? वोट देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कहाँ ना, तो किसको देंगे वोट? किसी को देवे करेंगे। किसको देवे करेंगे, किसको दीजिएगा? नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार के देंगे काहे? काहे ना देंगे, कोई के दे देना है। कोई के दे देना है तो किसका काम आपको दिखा है? जौन काम करेगा सब उसका देंगे। मतलब नीतीश का काम दिखा है आपको, आपका नाम क्या हुआ? निरंजन कुमार। क्या लगता है इस बार कौन है? इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन? नीतीश के देंगे काहे? नीतीश में सबको देते हैं तो किसका देंगे? अच्छा, नीतीश में सबको देते हैं, किसके देंगे? लगता है नीतीश कुमार ने काम किया है? कर लेता है, ये है नीतीश। क्या काम? अच्छे देते हैं, रोड वे बनाया है। क्या रोड? अच्छा, रोड बनाया है। मैं सुन रहे हैं कि रोज प्रतिदिन मर्डर हो रहा है, रोज अपहरण हो रहा है, कहाँ ना हो रहा है? रोज दो तीन थाना में दो तीन हत्या का केस हो रहा है दर्ज, कहाँ अपहरण नहीं हो रहा? कौन कैसा अब क्या बोला जाएगा? जंगल राज, दिन दहाड़े पेट्रोल पंप लुटा जा रहा है, दिन दहाड़े गोली मारा जा रहा है, दिन दहाड़े पैसा लुटा रहा है, जंगल राज नहीं तो किसको कहा जाएगा? विधि व्यवस्था में कुछ है? तो ये लोग भी तो हमेशा बोलते हैं, जेडीयू नेता हमेशा बोलते हैं कि जंगल राज तो लालू के वक्त में था। अरे जातीय के नेता क्या बोलेंगे, उन लोग का कोई अपना मॉरल है? नीतीश जी का मॉरल है, कभी रहेंगे राजद के साथ गठबंधन करेंगे कांग्रेस के साथ, मर जाएंगे, धसा जाएंगे, मिट्टी में चल जाएंगे और बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर वही काम कर दिया जाके, फिर आइएगा, फिर जाइएगा। अच्छा, क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार? बिहार में किसका बताया जाए? ये सब तो बाबू चोरों का सरकार है, किसका बताया जाए? लेकिन उनमें से बेहतर तो किसी एक को तो चुनना होगा। बेहतर तो लालू की राज में सुकून थी, बहुत सुकून थी। जी, बहुत सुकून। यहाँ नीतीश कुमार की राज में सुकून नहीं है? नहीं नहीं, बेचैनी बढ़ा हुआ है बेटा, एकदम बहुत बेचैनी है। बेचैनी बढ़ी हुई है, अब हिया लगाते हैं तो प्रशासन मार के भगाती है, उधर लगाते हैं तो दुकानदार कहता है कि आगे जाओ, तो आखिर हम कहाँ जाएं? पहले ये बेचैनी नहीं नहीं बहुत शांति थी ना। अच्छा,
बिंदास जीते थे हम। आप भी कुछ कह रहे थे। जी नीतीश कुमार के सरकार में बहुत ज्यादा लोग अभी परेशान है, ये बिहार सरकार की परेशानी, बहुत परेशानी की आदमी 2020 जब तक आया नीतीश कुमार सरकार बनी तब तक हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है। बिहार के अंदर लोग को इधर मार्ग चल रहे हैं, कोई उधर में मार्ग चल रहे हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है। राजीव कुमार, क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी लहर है? अभी तो लालटेन की लहर है। अच्छा, लालटेन की लहर क्यों? लालटेन की लहर आपकी लग रहा है ज्यादा? तीर तीर क्या लहर नहीं लग रहा है ना, इन साल तो इधर ना लग रहा है। हाँ, कहीं ना लग रहा है, पता नहीं चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लालटेन की लहर ज्यादा है। हाँ, कहीं लहर ज्यादा है, का है? हाँ? का है, हम जवाब दें? काहे जवाब नहीं देंगे? हवा तो लटेने छाप के इधर है। क्या नाम हुआ? रवि कुमार। रवि जी, क्या लग रहा है बिहार में इस बार किसकी सरकार? बिहार में इस बार लालटेन ही लालटेन रहेगा सब जगह। अच्छा। हाँ, नीतीश कुमार महाबेकार। क्यों महाबेकार क्यों? ये 15 साल में ऐसा अर्थव्यवस्था चौपट कर दिया पूरा बिहार में। हाँ। कि जन जन का आवाज हो गया लालटेन। नीतीश कुमार को तो विकास पुरुष कह रहे हैं लोग। नहीं, विकास सिर्फ कागजी प्रक्रिया पर सिर्फ है। अच्छा। हाँ, ये आपको देखने में आपको कहीं भी नहीं लगेगा विकास के नाम पर, सिर्फ कागजी प्रक्रिया है मैडम। यहाँ देखिए, हमारे यहाँ लाइट लगा हुआ है, ये सब लाइट एक भी दिन नहीं जलती है, एक भी दिन नहीं। सिर्फ यहाँ आते आते तेजस्वी यादव काम करेंगे, तेजस्वी यादव हमारे यहाँ काम करेंगे, काम करेंगे। लालटेन का चाहिए हमको, लालटेन चाहिए। क्यों चाहिए? मतलब एकदम चाहिए, क्यों चाहिए? चाहिए हम लोग, चाहिए प्रकाश चंद्र, चाहिए प्रकाश चंद्र, चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जिना कुरैशी है। अच्छा, क्या लगता है बिहार में किसकी लहर है? बिहार में अलायंस अगर हो रहा है तो कांग्रेस, आरजेडी और सेकुलर फोर्सेस जो है उनकी सरकार बनेगी। अच्छा, क्यों? मतलब क्योंकि आरजेडी क्यों, व्हाई नॉट एनडीए? एनडीए क्यों नहीं? एनडीए इसलिए नहीं कि जो इन्होंने नीतीश कुमार जी ने जो वादा करके आए थे सरकार में, वो वादा को पूरा नहीं किया। इन्होंने वादे की बात कर रहे हैं? वादा उन्होंने किया था कि हम भारतीय जनता पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे, उसके बाद उन्होंने उनसे अलायंस किया और फिर आरजेडी को छोड़ के इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलायंस कर लिया। तो बिहार के लोग उनसे दुखी थे, चूँकि यहाँ मैंडेट दिया गया था आरजेडी को अलायंस कांग्रेस में, मगर उसके बाद भी उसको छोड़ के वो चले गए। तो इसीलिए बिहार की जो जनता है वो पूरी तरह से लालू यादव और आप चाहते हैं कि बिहार की जनता परिवर्तन चाह रही है। हाँ, पूरी तरह से। तो देखा आपने कि क्या कहना है औरंगाबाद के लोगों का, क्या चाहते हैं वो और किसे देख रहे हैं वो बिहार का अगला मुख्यमंत्री। कैसे तमाम अपडेट्स अगर आप चाहते हैं कि हम आप तक पहुंचाते रहें तो हमें देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन ऋषि के साथ मैं समरीन, लाइव सिटी, शुक्रिया।